1 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरण का शुभारंभ किया जा रहा है। साथ ही 3.5 करोड़ लाभार्थियों को SMS के माध्यम से डिजिटल कार्ड भी पहुंचाए जा रहे हैं। PM जय, अब गरीबों की जय, गरीबों की जय बन गई। तो देवी सज्जनों, इन सभी लाभार्थियों के चेहरे पर प्रधानमंत्री जी के लिए प्यार, आदर, सत्कार और आशीर्वाद झलकता है। और इसी कार्यक्रम के सांकेतिक हमारे साथ यहाँ पर कुछ आयुष्मान भारत के लाभार्थी भी हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ उन्हें उनका फिजिकल कार्ड, PVC आयुष्मान कार्ड प्रदान करने के लिए। तो मंच पर आमंत्रित हैं अदिति यादव। देवी सज्जनों, ये बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बच्ची हैं अदिति यादव, जिन्हें अब प्रधानमंत्री जी द्वारा ये आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। देवी सज्जनों, छोटी सी बच्ची के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और हमारे अगले लाभार्थी प्रेम प्रकाश। और अगले लाभार्थी रुबीना बेगम। सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा आज शुरू की गई हर एक नई पहल एक स्वस्थ भारत, सुंदर भारत और एक न्याय संगत समाज की संरचना में और अधिक गति और अधिक प्रगति लाएगा। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी इज अ मैन ऑन अ मिशन। और एक विभूति की तरह अनन्य भाव से उनके सभी कर्म सभी के कल्याण को समर्पित हैं। देश के हर एक नागरिक के लिए कुछ बड़ा करने और इस देश को अनेक नई ऊंचाइयों पर ले जाने को समर्पित हैं। तो हम सभी के श्रद्धेय पथ प्रदर्शक माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं करबद्ध होकर निवेदन करती हूँ, हम सभी के मार्गदर्शन हेतु अपने विचारों से हमें लाभान्वित करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी, केंद्र में मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, अगन सिंह कुलस्ते जी, प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, श्रीमती रेणुका सिंह सरुता जी, डॉक्टर भारती पवार जी, श्री विश्वेश्वर टुडू जी, सांसद श्री VD शर्मा जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रीगण, सभी विधायकगण, देश भर से इस कार्यक्रम में जुड़ रहे अन्य सभी महानुभाव और इतनी विशाल संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय सेवा, जय जोहार।
आज मुझे रानी दुर्गावती जी की इस पावन धरती पर आप सभी के बीच आने का सौभाग्य मिला है। मैं रानी दुर्गावती जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। उनकी प्रेरणा से आज